गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया, ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस टेंस की पहचान के बारे में। इस टेंस की पहचान हिंदी में क्या है वो हम जान लेते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतया चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। अगर इनमें से कोई भी वाक्य इन शब्दों के साथ में हो एंडिंग में, तो बताइए उस सेंटेंस में कौन से टेंस के नियम लगेंगे? यस, पास्ट परफेक्ट टेंस के। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाला है, देखिएगा। इस टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हेड, देन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। There is no problem of singular subject or plural subject, whatever it may be. दोनों के साथ कौन सी helping verb लगेगी? Head. Singular sentence है तब भी, singular subject है तब भी head, और plural subject है तब भी head. है ना, बहुत easy चीज। देखते हैं, वह घर पहुंच चुका था। वह घर पहुंच चुका था। पहचान देखी, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? चुका था। इसका मतलब हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो हम बताते हैं सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश ही, देन क्या लिखेंगे? हेड, हेल्पिंग वर्ब। हमने जो पहचान है वो हटा दी, उसके बाद में कौन सा वर्ड बचा? पहुंचना। पहुंचने को कहते हैं रीच, एंड कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, एंड द लास्ट वर्ड इज होम। ही हैड रीच्ड होम। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऑलवेज, बिकॉज नॉर्मली हम वर्ब की थ्री फॉर्म्स मानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म। तो जो लास्ट वाली फॉर्म है वो कौन सी है? थर्ड फॉर्म। और कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञान की अंतिम सीमा तक पहुँच जाता है तो उस व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति उस कंसर्न क्षेत्र में परफेक्ट हो गया है। तो परफेक्ट फॉर्म मींस थर्ड फॉर्म। ओके, बट इस टेंस में हमें एक बात याद रखनी है कि ये टेंस नॉर्मली अपने एक फ्रेंड के साथ आता है। कौन है इसका फ्रेंड बताइए? पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस 90% केसेस में अपने फ्रेंड के साथ आता है। इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है दोनों में, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप कि एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ नॉर्मली एक टेंस और जुड़ा होता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए एक वाक्य जिसमें दोनों फ्रेंड साथ साथ आएंगे, देखते हैं सेंटेंस। लिखते हैं सेंटेंस, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। Okay.
ओके, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, दो कार्य है। एक काम तो है ट्रेन का जाना, पहला कार्य तो कौन सा हुआ, ट्रेन का जाना, और दूसरा काम कौन सा हुआ, मेरा स्टेशन पर पहुंचना। ये कौन सा कार्य हुआ, दूसरा कार्य। ओके, दो कार्य हुए, पहला काम कौन सा, ट्रेन का जाना, और पहला काम कौन सा, मेरा स्टेशन पर पहुंचना। तो आप ये याद रखेंगे बच्चों कि जो पहला कार्य होगा उसमें हम कौन सा टेंस काम में लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, मींस सब्जेक्ट, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप हिंदी के जैसे नहीं बनाएंगे इसको कि सबसे पहले आप मेरे के लिख देंगे आई या माई, फिर स्टेशन, फिर पर, फिर पहुंचना, ऐसे नहीं। जो कार्य पहले होगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनेगी। तो हम यहां से बनाएंगे ट्रेन, पहले कार्य का सब्जेक्ट कौन सा है, ट्रेन, तो क्या आ जाएगा, द ट्रेन। जो पहला कार्य होगा उसमें कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लगेगा बताइए, पास्ट परफेक्ट टेंस। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगेगा, हेड, और उसके बाद में ये तो उठा ही देंगे अपन, क्यों तो ये क्या है, इसकी पहचान है। तो कौन सा वर्ड बचा फिर, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो। तो थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, गॉन। लेफ्ट भी लिखा जा सकता है इसकी जगह, लेफ्ट वर्ड भी लिखा जा सकता है। चलिए, इस टेंस की इंग्लिश हमने बना ली। अब बीच में एक वर्ड लिखा हुआ पहले या से पहले, इसके लिए क्या आएगा, बिफोर। इसके लिए क्या आता है, बिफोर। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, और इस तरह के वर्ड्स जो टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उनको कहते हैं कनेक्टिव्स या कंजंक्शंस। ओके, चल आप इस टेंस की इंग्लिश बनाते हैं। बताइए इस पार्ट में कौन सा टेंस आएगा, यस, इस पार्ट में आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे आई, और उसमें कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, रीच्ड, देन द वर्ड इज स्टेशन, द स्टेशन, और सिंपली स्टेशन भी लिख सकते हैं, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। क्लियर, जो काम पहले होगा उसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होगा उसमें लगाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्लियर, चल और सेंटेंस देखते हैं सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर। दूसरा सेंटेंस, माली के आने से पहले ही, माली के आने से पहले ही, आने से पहले ही बच्चों ने फूल तोड़ दिए थे, बच्चों ने फूल तोड़ दिए थे, लिए थे। बच्चे होते ना बहुत शैतान, हाँ मानते हैं, गुपचुप पे क्या कर लेते हैं, फूल तोड़ लेते। चलिए अब इसमें बताइए, दो कार्य हैं, एक तो माली का आना, माली का आना, और दूसरा है बच्चों का फूल तोड़ना। बताइए फर्स्ट काम कौन सा है, बच्चों का फूल तोड़ना। फर्स्ट वर्क हो गया बच्चों का फूल तोड़ना, और दूसरा काम कौन सा हो गया, माली का आना।
तो जो फर्स्ट काम है उसमें कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट परफेक्ट। बताइए कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस? सब्जेक्ट, देन हेड, देन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को तो वो लगाते हैं। और जो काम बाद में होगा उसमें कौन सा लगेगा? उसमें लगेगा पास्ट डेफिनिट। कौन सा टेंस? पास्ट डेफिनिट टेंस। क्या पैटर्न है इसका? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और हो तो ऑब्जेक्ट। चलिए इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। अच्छा आप एक बात ध्यान रखेंगे, इस टेंस से संबंधित क्वेश्चन अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट मे बी रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, इट मे बी रिलेटेड टू टीचर्स, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, इन सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टेंस आर आस्क्ड। सो आप ध्यान से देखें इसको। चलो सेंटेंस बड़ा लग सकता है लेकिन है बहुत ही सिंपल। तो हम इस जो बाद वाला पार्ट है इसकी इंग्लिश करेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्ट कौन सा है बताइए? बच्चों। बच्चों को क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। ओके, देन क्या लगाएंगे? हेड। ये थे तो हम हटा देंगे क्योंकि क्या है ये? पहचान। अब क्या बचा? तोड़ना। तोड़ने को क्या आएगा? प्लग्ड, करेक्ट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज फूल, द फ्लावर्स। मे के लिए कुछ आता है क्या? नो, ठीक है ना। मे के लिए भी आई और मैंने के लिए भी आई, हम के लिए भी वी, तो हमने के लिए भी वी। रोहन ने, रोहन, और सिर्फ रोहन लिखा हो तो भी रोहन, बिकॉज ने के लिए नो इंग्लिश वर्ड इज यूज्ड। आया समझ में? ओके, अब बीच में क्या लिखा? पहले ही। इसके लिए क्या आता है? बिफोर। ओके, अब इस वाले पार्ट की इंग्लिश बनेगी। बताइए सब्जेक्ट क्या है? माली। माली के लिए क्या आएगा? द गार्डनर। और इससे के लिए कोई वर्ड आएगा नहीं। और कौन सा है? फिर आना। आने को कम कहते हैं। और कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। सो बिफोर द गार्डनर कैन, बहुत ही है। अब अनेक बार क्वेश्चंस ये आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते से रिलेटेड, और उसमें क्या होता है कि यहाँ पर खालिस्तान होगा, यहाँ खालिस्तान होगा, ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? प्लग। अब आपको खालिस्तान भरने हैं। अब आपको कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए आप लोग कि इसमें क्या आएगा? बच्चों, फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर वाले पार्ट के बाद वाले पार्ट में, बिफोर के बाद वाले पार्ट में अगर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, आफ्टर बिफोर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो डेफिनेटली जो पहले वाला पार्ट है उसमें क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और इसकी इंग्लिश में पहचान यही है, कोई स्पेशल वर्ड नहीं आते इसमें। इस टेंस में स्पेशल कोई वर्ड्स नहीं है जिसके माध्यम से हम रिकॉग्नाइज करें कि ये टेंस कौन सा है। बस यही चीज है जिससे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। या बीच में जो वर्ड आता है ये या तो बिफोर हो सकता है या आफ्टर हो सकता है, ठीक है। बिफोर होगा तो बिफोर के पहले वाले पार्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्वेश्चंस कभी कभार ऐसे भी आते हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ओके, और सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल खाली है, कुछ लिखा हुआ नहीं और ब्रैकेट में लिखा हुआ कम। तो आप याद रखें कि बिफोर वाले पार्ट में अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद वाले में सेकंड फॉर्म, तो क्या चाहिए?
क्लियर। कभी कभार बिफोर की जगह आफ्टर आता है, बिफोर की जगह क्या आता है आफ्टर, लेकिन तब सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी बिकॉज बिफोर और आफ्टर दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, इसलिए सिचुएशन रिवर्स होगी। रिवर्स कैसे, आफ्टर के पहले तो सेकंड फॉर्म, आफ्टर के पहले तो सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, करेक्ट। चल अब हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस बड़े हैं लेकिन टफ नहीं है, इजी है, आराम से समझिए, धीरे धीरे वीडियो को देखिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके चल, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, देयर आफ्टर थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और मे बी अदरवाइज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कौन सा, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है नॉट। देखिए माँ के आने से पहले, आने से पहले मैंने खाना नहीं पकाया था, खाना नहीं पकाया था। ओके पहचान हुई, क्या लिखा हुआ है, या था, मीन्स पास्ट परफेक्ट, या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब वो शब्द हैं जो नॉर्मली पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। चल दो काम हो रहे हैं, एक तो मार्क का आना, ये तो कौन सा काम है, दूसरा काम, दूसरा कार्य, और पहला कार्य कौन सा है, मेरे द्वारा खाना नहीं पकाना, ये कौन सा कार्य है, पहला कार्य। तो बताइए पास्ट परफेक्ट किस में लगेगा, पहले काम में, ठीक है, और बाद वाले काम में क्या लगता है, पास्ट में अपने। चलिए बताओ सबसे पहले आई क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेड, देन नॉट, पकाने को क्या कहते हैं, कुक, एंड द थर्ड फॉर्म विल बी कुक्ड। नहीं के लिए नॉट ऑलरेडी आ चुका है, अगला वर्ड लिखेंगे खाना, फूड, आई हैड नॉट कुक्ड फूड। बीच में कौन सा वर्ड है, पहले या से पहले, इसके लिए क्या आएगा, बिफोर। ओके फिर पास्ट परफेक्ट आएगा इसमें, तो मदर, माँ के लिए क्या आएगा, यस मदर, और यू कैन ऑल्सो यूज द मदर, बिफोर द मदर। आने के लिए क्या आएगा, कैम, आई हैड नॉट फूड बिफोर द मदर कैम, सिंपल। इसमें और अफर्मेटिव में क्या डिफरेंस है, अफर्मेटिव सिर्फ हेड था और इसमें क्या लगा दिया अपन ने, हैड नॉट, है ना, क्लियर। चल अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ देम इज यस नो टाइप इंटरोगेटिव एंड द सेकेंड वन ऑफ देम इज डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं उसको, बिकॉज उसमें जो सेंटेंस की बिगिनिंग है वो डब्ल्यू एच वर्ड से होती है,
डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, हू, हाउ, हूज, लाइक दिस, इसलिए क्या कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव। और यस नो टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर नॉर्मली किस में होता है, यस में या फिर नो में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव, कौन सा, यस नो टाइप इंटरोगेटिव। चलिए तो हम सबसे पहले सीखते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव। यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। एक सेंटेंस देखते हैं, क्या आपके स्कूल पहुंचने से पहले ही, क्या आपके स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी, बज चुकी थी, क्या आपके स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा, यस नो टाइप। कैसे पता लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब कोई कैंडिडेट या तो बोलेगा यस या फिर क्या बोलेगा नो, दैट्स व्हाई इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहते हैं, यस नो टाइप इंटरोगेटिव। चलिए बनाते हैं, पहले इस वाले पार्ट की इंग्लिश बनेगी, घंटी बज चुकी थी, लेकिन आप ये ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट थी कि क्या वैसे इस वाले सेंटेंस के पास लग रहा है, बट क्या का सेंस किसके साथ जा रहा है, या क्या घंटी बज चुकी थी, ये आप याद रखें। इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, हाँ पैटर्न लिख लेते हैं, सबसे पहले हेड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो तो वो, और बाद में क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, देन सब्जेक्ट घंटी, द बेल, चुकी हटा देंगे, चुकी थी क्योंकि पहचान है, बजने को क्या कहते हैं रिंग, एंड द थर्ड फॉर्म विल बी रंग, हैड द बेल रंग। कंजक्शन कौन सा है, पहले या से पहले, पहले हो या से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए क्या आता है बिफोर आता है, तो क्या जाएगा बिफोर। अब इस वाले पार्ट की इंग्लिश बनाएंगे, आपको क्या कहते हैं यू, और आपके के लिए भी यू, बिफोर यू। इधर से लिखेंगे पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्कूल, द स्कूल। जो क्वेश्चन वाली बात है वो फर्स्ट वाले पार्ट के साथ लागू नहीं, आप याद रखेंगे ये सिर्फ जो कार्य पहले हुआ है उसके साथ ही लागू, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, देन हेड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम बड़े इजी वे में इस टेंस को सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इस सेंटेंस जो इस टेंस के वाक्य हैं उनको इजी वे में हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में काम में ले सकते हैं। आई थिंक आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आया होगा, मैं इस तरह के वीडियोस कंटिन्यू बनाता रहूँगा, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को अच्छी तरह देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।